बिल्कुल, मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ये पहली दफ़ा है कि मुझे राइटर के तौर पे बुलाया गया है किसी अवार्ड फंक्शन में. सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी भी है हमारे लिए. जो SWA ने शुरू किया है वो हम लेखकों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टू कीप द राइटर इन द सेंटर. तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये जश्न लेट से ही सही लेकिन बहुत अच्छे से आया उसको हम सब सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस. देखिए, एक राइटर जो होता है वो बड़ा एक लोनली क्रिएचर होता है. उसका प्रोफेशन जो है वो काफ़ी लंबे दौर तक आप अकेले काम करते रहते हैं और उसके बाद में मतलब एक माँ की तरह होता है कि आपने जन्म दे दिया और बाकी सारे बच्चों को लेकर घूम रहे हैं. अपने डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, एक्टर्स हैं. तो ये चूंकि ये राइटर्स को केंद्र में रख के और सिर्फ उन्हीं को सेलिब्रेट करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है. क्योंकि राइटर नीव होता है किसी भी चीज़ का, तो किसी भी कलाकृति का. सो आई थिंक दैट इट्स हाई टाइम दैट वी सेलिब्रेट द राइटर्स. मुझे कविताएं बिल्कुल पसंद नहीं है. कविता वाले ये हैं, आप इनसे पूछे कि मैं बड़ी प्रोज वाली हूँ जी. मैं ये कहूँगा कि ये बहुत अच्छा है क्योंकि लेखक जो होता है वो किसी भी फिल्म की आत्मा होता है. तो शरीर कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, अगर उसमें आत्मा नहीं है तो उसे मृत माना जाता है. और मृत शरीर का या तो उसको दफन कर दिया जाता है या उसको दहन कर दिया जाता है. तो आप आत्मा को सेलिब्रेट कर रहे हैं और राइटर्स एसोसिएशन की जो बात है तो मुझे लगता है कि अब ये कहीं ना कहीं आपने जो प्राण होते हैं लेकिन उसकी दिशा में उसको परिष्कृत और उसको पुरस्कृत करने की दिशा में प्रयास किया है. तो ये बहुत अच्छा आनंद का विषय है. और साथ में ये आनंद का विषय है कि रिंपा जी अभिनेत्री के तौर पर हम इनसे मिले थे लेकिन ये राइटर भी हैं, ये डायरेक्टर भी हैं और अपनी पहली फिल्म में इनको 5 नॉमिनेशन मिले तो ये हमारे लिए इतनी खुशी की बात है. मैं यही कहना चाहूँगा कि जो निराकार को साकार कर दे वही कलाकार होता है. तो हमारे जितने भी भाव होते हैं वो सब निराकार होते हैं. अगर आप प्रेम की बात कर रहे हैं तो प्रेम आप अगर कोई कहे कि कैसा होता है तो आप उससे ये कहेंगे कि मैं आपको एक्सपीरियंस करा सकता हूँ लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर सकता. आप किसी से नफरत की बात करें तो आप कहेंगे कि एक्सपीरियंस करा सकते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर सकते. तो जो जितने भी भाव होते हैं वो निराकार होते हैं, उनको साकार करने का जो हुनर होता है वो लेखकों के अंदर होता है और वही कलाकार होते हैं. तो मैं लेखकों से सिर्फ यही कहूँगा कि भाव भाषा इनके बीच में अगर आपका अमृत योग हो जाए, इनके बीच में अगर आपकी अच्छी जुगलबंदी हो जाए तो फिर आप ये मान के चलिए क्योंकि अभिनेता तो विस्मृत किए जा सकते हैं लेकिन जो लेखक होते हैं वो सदैव विस्मृति में बने रहते हैं. हेलो, हाँ यहाँ मुझे तो कुछ सुन नहीं आ रहा है. चलिए आप कह रहे हैं तो क्या ओके जी. थैंक यू. अच्छी बात है. देखिए दूसरे लोग आपको अप्रिशिएट करें वो भी खुशी की बात है लेकिन जो आपके अपने जो पीयर्स हैं, आपके कलीग्स हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके वोकेशन में हैं, सेम प्रोफेशन में है, वो आपको अप्रिशिएट करें, आपको अवॉर्ड दें तो उसकी इज्जत कुछ और ही है. बहुत खुशी की बात है जिन लोगों को मिल रहा है. मैं अभी से उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर देता हूँ. अरे क्या उसमें बताने का क्या है. और अभी भी कर रहा हूँ. मैंने तो स्क्रिप्ट कोई 12-14 साल से लिखी नहीं थी. अब
अब ये पेंडेमिक में 3 स्क्रिप्ट लिख डाली तो अब दे रहा हूँ दूसरों को। और यहाँ तक अपने काम के बारे में खुद बात करने का कोई मतलब नहीं हो, दूसरे डिसाइड करेंगे कि ठीक है कि नहीं, या दूसरों ही ने डिसाइड किया है कि ठीक था कि नहीं था। पढ़ो जितना हो सके, आप अगर स्क्रीन प्ले राइटर बनना चाहते हैं जितना फिक्शन हो सके आप पढ़िए, और फिक्शन हर तरह का पढ़िए, क्लासिकल भी पढ़िए और बेस्टसेलर भी पढ़िए, और जो पेपरबैक नॉवेल्स होते हैं जो कि आपको स्टेशन पर मिलते हैं वो भी पढ़िए, थ्रिलर भी पढ़िए और सीरियस बुक भी पढ़िए, दोनों पढ़िए। ज़्यादा लिटरेचर सीरियस पढ़ने से आप ड्राई हो सकते हैं, और सिर्फ अगर आप लाइट लिटरेचर पढ़ेंगे तो आप फ्लिपेंट हो सकते हैं। तो दोनों पढ़िए, जितना इनटेक चाहिए ना आउटपुट से पहले। हम लोग एक ये नहीं होना चाहिए जैसे कहते हैं इनब्रीडिंग, डोंट लर्न फिल्म राइटिंग ओनली बाई वॉचिंग फिल्म, योर सोर्सेज शुड बी डिफरेंट, ओनली देन यू विल बी एबल टू ब्रिंग न्यू थिंग। दैट्स व्हाट आई सेड। हो गया काफी ये विषय आगे क्या मैं एक नहीं बहुत देर आर ग्रेट राइटर, आर यू टॉकिंग ऑफ नॉवलिस्ट, यू आर टॉकिंग ऑफ स्क्रीन प्ले राइटर, यू आर टॉकिंग ऑफ शॉर्ट स्टोरी राइटर, यू आर राइटिंग ऑफ पोएट जी। मेरा मोटिवेशन कुछ फिल्में थी लेकिन लिटरेचर भी था। व्हेन आई वाज यंग आई वाज अ वोरशिप रीडर, बहुत पढ़ता था मैं, तो आई वाज अ ग्रेट एडमायर ऑफ राइटर्स लाइक से कृष्णचंद्र, शरद बाबू, रण सिंह बेदी, द ग्रेट राइटर। तो एक तरफ इन लोगों को पढ़ता था, दूसरी तरफ जैसे फिल्म थी दो बीघा ज़मीन, साहब बीबी गुलाम, बी आर चोपड़ा की फिल्म थी कानून, अख्तर उल ईमान के डायलॉग, या इस तरह के बहुत अच्छे बड़े बड़े डायलॉग राइटर पैदा हुए थे। बेदी साहब बहुत अच्छे डायलॉग राइटर, रण सिंह बेदी। मेरा फेवरेट राइटर एक कोई नहीं रहा, बहुत सारे राइटर मैंने अप्रिशिएट किए, लेकिन अगर मुझे किसी का नाम लेना ही होगा तो मैं कृष्णचंद्र, आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ कृष्णचंद्र, जो वॉज अ उर्दू राइटर, उनकी किताबें हिंदी में भी अवेलेबल हैं और बहुत कमाल कर। कुछ भी अगर नया शुरू भी करना है तो उसकी कोई उम्र नहीं होती। सो आई एम जस्ट सो हैप्पी। और ये पटकथा का काफ़ी स्पेशल है क्योंकि इस त्रिभंग की पटकथा पे मैंने बहुत बहुत साल काम किया, कुछ 6 साल काम किया, उसके बाद वो वैसी हुई जैसे आपने फिल्म में देखी। सो आई एम जस्ट सो 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 हैप्पी। मुझे ऑफकोर्स SWA की जूरी को बहुत धन्यवाद देना है क्योंकि उन्होंने मेरा चयन किया एज अ विनर ऑफ बेस्ट स्टोरी एंड बेस्ट स्क्रीन प्ले। और बेसिकली SWA अवार्ड्स का भी तहे दिल से शुक्रिया क्योंकि इतना काम रहता है ये अवार्ड्स, इस पर्टिकुलर अवार्ड के पीछे सारे कैटेगरीज, टेलीविजन के खास तौर से म्यूज़िक, ये सारी कैटेगरीज बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो हर साल ये प्रयास करते हैं कि राइटर्स को उनके जो भी मेहनत है उसका फल मिले। सो उनका सच में बहुत बहुत शुक्रिया। और सिद्धार्थ मल्होत्रा जो मेरे प्रोड्यूसर हैं त्रिभंग के, मुझे लगता है कि उनके बिना त्रिभंग किसी को देखने को नहीं मिलती, तो ख़ास तौर से मैं उनका जिक्र करना चाहती हूँ, टू थैंक हिम रियली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर दिस। थैंक यू सो मच। सबसे बड़े बड़े आनंद का विषय है कि रेणुका जी को 2 पुरस्कार मिले और वो भी उनकी डेब्यू में और राइटिंग के लिए। तो अभी तक एक अभिनेत्री के रूप में मैं इनको मतलब मैं तो इनको लेखक हूँ, अभिनेता हूँ, डायरेक्टर हूँ, हर रूप में पसंद करता हूँ, लेकिन दुनिया भी अभी तक जो इनको अभिनेता के रूप में जानती थी अब उनके एक लेखक और पुरस्कृत लेखक के रूप में भी जानती, तो ये आनंद का विषय है इनकी फिल्म को
बेस्ट स्टोरी और बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए रेणुका जी को अवार्ड मिला। थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे बड़े बड़े आनंद का विषय है कि रेणुका जी को दो पुरस्कार मिले और वो भी उनकी डेब्यू में और राइटिंग के लिए। तो अभी तक एक अभिनेत्री के रूप में मैं इनको मतलब मैं तो इनको लेखक हूँ, अभिनेता हूँ, डायरेक्टर हूँ, हर रूप में पसंद करता हूँ, लेकिन दुनिया भी अभी तक जो इनको अभिनेता के रूप में जानती थी अब उनके एक लेखक और पुरस्कृत लेखक के रूप में भी जानती है। तो ये आनंद का विषय है कि इनकी फिल्म को बेस्ट स्टोरी और बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए रेणुका जी को अवार्ड मिला। थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे बड़े बड़े आनंद का विषय है कि रेणुका जी को दो पुरस्कार मिले और वो भी उनकी डेब्यू में और राइटिंग के लिए। तो अभी तक एक अभिनेत्री के रूप में मैं इनको मतलब मैं तो इनको लेखक हूँ, अभिनेता हूँ, डायरेक्टर हूँ, हर रूप में पसंद करता हूँ, लेकिन दुनिया भी अभी तक जो इनको अभिनेता के रूप में जानती थी अब उनके एक लेखक और पुरस्कृत लेखक के रूप में भी जानती है। तो ये आनंद का विषय है कि इनकी फिल्म को बेस्ट स्टोरी और बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए रेणुका जी को